हेलो ऑल, दिस इज सानवी शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्नी। आज मैं आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि 25 सितंबर 2021 के लिए, यानी कि कल के दिन के लिए है। कल का दिन सैटरडे का दिन है। देखते हैं कल का दिन आपका किस तरह का होगा, कल के दिन पर किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी दैट। ओके, कल के दिन की एनर्जी देखते हैं। तो पहला कार्ड क्राउन चक्र का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है। इंट्यूशन का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक पर मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। आप सबको मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैंने एक पितृपक्ष पे एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अदरवाइज आप फाइंड कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको मिल जाएगी वो वीडियो। उस वीडियो को सुनिए भी, और जो भी आप अपने पितरों के लिए दान करना चाहते हैं, अगर आपको पितरों का कोई दोष लगता है, पितृ दोष लगता है या पितृ ऋण है, तो आप इस टाइम पर जरूर अपने पितरों के नाम का दान कीजिए। ओके, सो कल के दिन की एनर्जीज को देखते हैं। पहला कार्ड एग्जिस्टेंस का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड ओवर हेयर इज राइटनेस का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज एग्जॉशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। कल का दिन सैटरडे का दिन है। ओके, कल के दिन पर मुझे इस तरह से फील हो रहा है, यहां पर कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी, कल आप अपने कुछ एथिक्स को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर आप कुछ काम करने वाले हैं और डिवाइन की गाइडेंस मिलेगी आपको उस चीज के लिए। आपको हर एक चीज के बीच में अलग अलग कनेक्शन समझ आएगा। कल के दिन पर आप अपने एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चन उठा सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर डिवाइन आपको देंगे जरूर। कल की एनर्जी इस तरह की है। जो आपकी जिंदगी में डिसकंटेंटमेंट चल रहा था, बोर्डम चल रहा था, आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं थे, कोई जिंदगी का स्फीयर ऐसा, चाहे आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, जिसमें भी ऐसी फीलिंग थी आपको कि आप बोर हो चुके हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वहां पर कल आपको आपके सब्र का फल मिलने वाला है और ये फल मीठा ही मिलेगा, ये नजर आ रहा है क्लियरली। कल के दिन आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प होने वाली है और आपकी इंट्यूशन आपको एक ऐसे जोन से बाहर निकालने वाली है जिस जोन में आप काफी लंबे टाइम तक फंसे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको एग्जॉशन से बाहर निकालेगी, जहां पर आप सोच सोच कर थक गए हैं, वहां से आपकी इंट्यूशन कल के दिन पर आपको बाहर निकालती हुई नजर आ रही है। कल के दिन आपको अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा वक्त स्पेंड करने के लिए मिलेगा। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, आप पुराना टाइम जी पाएंगे। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दुनिया कंप्लीट हो गई है। अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप ऐसा फील करने वाले हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है। अगर ये पार्टनर आपके कोई बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ मिलकर भी आपको एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आने वाली है, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। कल का दिन फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का दिन नहीं है, फाइनेंसिस को लेकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। कल के दिन पर वो काम करिएगा जिसमें आपको सकून मिलता है, जिसमें आपको शांति मिलती है, ऐसा कोई काम कल के दिन पर आप डेफिनेटली कीजिएगा जो आपकी हॉबी हो। ठीक है, उसमें आपकी इंट्यूशन से आपको आंसर्स और क्लियरली मिल पाएंगे। अगर कोई पेंटिंग किसी की हॉबी है तो पेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन कोई ना कोई रास्ता दिखा देगी, उस पेंटिंग में ही आप कुछ ऐसा बना लेंगे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो ये चीज कीजिए। अगर बुक पढ़ना चाहते हैं कोई, आपकी हॉबी है रीडिंग, तो बुक पढ़िए कोई। ठीक है, कल का दिन अपने कंफर्टेबल जोन में आ जाइए, आपको मौका मिलेगा उस कंफर्टेबल जोन में आने का। ठीक है, कल के दिन पर अगर हेल्थ वाइज बात करूं तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। हेल्थ वाइज आप काफी इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। कल का दिन सैटरडे का दिन है, शनिदेव का दिन है। कल के दिन पर एक तो सबसे बड़ा फोकस हमारा होना चाहिए, हमारे कर्मा सही होने चाहिए। शनिदेव के मंदिर जाने का फायदा तब है जब हमारे कर्म सही हैं। अपने जो शब्द हैं उनका सही चयन कल के दिन पर आपको करना है।
अगर आपके शब्द गलत हैं तो वो आपके कर्म में ऐड करेंगे और आपका कर्म आज नहीं तो कल आप तक वापस आएगा। हम अपना कर्म भूल जाते हैं लेकिन कर्म हमारा एड्रेस नहीं भूलता है, कर्म वापस हम तक जरूर आता है। ठीक है, हमारी वजह से किसी की आंख में एक आंसू निकला हुआ वापस रिटर्न जरूर आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, कर्म अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। तो कर्मों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है, कल शनिदेव के मंदिर में जाना है, उड़द की दाल का दान करेंगे वहां जाकर। आप एक कटोरी ले लीजिए, अगर लोहे का पात्र मिलता है आपको तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो घर से एक छोटी कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर सरसों का तेल डालिए और उसके अंदर एक सिक्का डालकर अपना आई कॉन्टैक्ट बनाइए। आई कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके बाद वो तेल जो है या तो जो शनि का दान लेने आते हैं उन्हें दे दीजिए या फिर आप मंदिर में चढ़ा जाइए। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। कल के दिन पर आप नीले साबुन का दान करेंगे, जो रेन साबुन होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसका दान करेंगे। कंबल का दान कर सकते हैं, भूरे रंग के कंबल का या फिर नीले रंग के कंबल का दान आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप मछलियों को गोलियां, आटे की गोलियां बनाकर डालिए। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों को डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिनके अंदर मन में शांति नहीं बन पाती है, वो लोग ये मछली वाला उपाय करें। ठीक है, कल के दिन पर अगर मंदिर में जाते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में जाते हैं, तो अपने ऊपर से एक जो नारियल होता है उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, सिर के बहुत करीब होना चाहिए वो नारियल घुमाते समय, और अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर वो आप मंदिर में दान कर दीजिए। अगर मंदिर नहीं जाना है तो जल में प्रवाह कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और कल के दिन की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। आई होप आप इन एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।